समस्त देशवासियों को जनता और सत्ता परिवार की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 15 अगस्त को पहले तो मैं सभी देशवासियों को और अपने रामपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये 15 अगस्त हमारे रामपुर वासियों के नहीं पूरे देश का एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं हम सब लोग, और आज़ादी के समय से आज तक हम मनाते आए हैं। लेकिन जो अमृत काल में हमारे भारत ने जो कदम रखा है, तो मैं समझता हूँ पहले भी मनाते रहे हैं, लेकिन अब नए सिरे से हम जो लोग मना रहे हैं, हमारी पार्टी मना रही है, तो बड़ा अजीब ढंग से, क्योंकि हमारे जो हमारे जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन लोग हमारे शहीद हुए हैं देश को, उनको याद करने का ये समय है, और उनको नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों को ये त्यौहार मनाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि ये भारत सबका है, भारत माता सबकी है, क्योंकि ये किसी विशेष धर्म की नहीं है, तो सभी धर्मों को इस त्यौहार को मनाना चाहिए त्यौहार के रूप में, और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो 15 अगस्त है, सभी लोगों को अपने अपने घर पर झंडा फहराएँ और अपने अपने मकान पर झंडा लगाएँ, अपने वाहनों पर झंडा लगाएँ और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करें स्कूल वगैरह में जाकर, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं और जो हमारे जो हम जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, तो हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें भी एहसास हो कि हमारे परिवार वालों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी देकर ये आज़ादी कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, जिलावासियों को, पूरे भारतवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबको ये सभी से मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग देश का झंडा जरूर अपने घर पर लगाएं, जो हमारा गौरव की बात है हमारे लिए, और ये हमारे लिए बहुत ही, चूँकि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, उसके बाद ही हमें देश आज़ाद हुआ है, तो मैं उन सबको नमन करते हुए सबको जो है नमन करता हूं, और सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल सब आपस में मेल झुल कर रहें, सब देश को आगे बढ़ाएं, देश आगे बढ़ेगा तो हमारी सब लोगों की काफ़ी हमारा बढ़िया सब ठीक ठाक रहेगा, और इसमें सब लोग योगदान दें, पर सभी अपने घरों में विशेष करके झंडा जरूर लगाएं, यही मेरी सब लोगों से अपील है। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी देशवासियों और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार हमारे वीरों ने हजारों लाखों आहुतियाँ देकर ये देश को आज़ाद कराया, तो अभी हम लोगों का भी संकल्प लेने का समय है कि हम अपने देश को कुछ ना कुछ दें, चाहे वो स्वच्छता के रूप में दें, चाहे वो हरियाली के रूप में दें। हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग संकल्प लें स्वतंत्रता दिवस पर कि हम लोग इस देश के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं पुनः नगरपालिका बिलासपुर की तरफ से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों व टाणा नगरवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का दिन आज 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का दिन मिला हमें। इस आज़ादी के दिन के लिए कुछ शहीद हुए और बलिदान दिया, उन बलिदान देने वाले को आज स्वतंत्र दिवस वाले दिन याद करने का दिन है। मैं उनको नमन करता हूं, आप सभी भी उनको नमन करें। नमन करने के बाद देश की आज़ादी का जश्न मनाएं, और इस जश्न के लिए आप दिल खोल कर स्वतंत्र दिवस में आप जश्न मनाएं। टांडा नगरवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि ये टांडा नगर आपका अपना नगर है, इसे स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। फिर मैं पुण्य आपको स्वतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं संजीव सक्सेना, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष, मैं सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश में भाईचारा बना रहे, अमन शांति बने रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसको हम सब मिल बांट के मनाते हैं, और ये याद दिलाता है हमारा हर बार
इस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हैं, याद दिलाता है कि कैसे हमारे देश को आज़ाद कराने में और कैसे कैसे मिल बाँट के सबने बलिदान दिया और लाखों जानों की हानि हुई। सबने तन धन मन से इस देश में आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग लड़ी और अंग्रेज़ों को भगाया और जब जाके हम एक राष्ट्र को ये देश समर्पित हुआ जिसका नाम हमारा भारत है, जिसमें गंगा जमनी तहजीब है, सब मिल बाँट के बनाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान रहा, आज के राष्ट्र की उन्नति का हिस्सा है। और आज हमारे देश का युवा पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। देश का युवा ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी विदेशों में जाकर भी ये आप अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश की उन्नति का हिस्सा बनिए और राष्ट्र को समर्पित रहिए और कैसे मिल बांट के सब ने अपनी जान त्याग दिए, आपसी भाईचारे को बनाए रखिए और छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव ना करें। जैसे एक बड़ा भाई और छोटा भाई होता है, एक फैमिली में छोटे बड़े भी होते हैं, कई बार छोटा नज़रअंदाज कर देता है, कई बार बड़ा नज़रअंदाज कर देता है। छोटी छोटी गलती की वजह से आपस की फैमिली को ख़राब ना करें और बड़ा भाई छोटे भाई के सिर पर हाथ रखे और छोटा भाई बड़े भाई का हाथ पकड़ के उसका सम्मान करें और हमें मिल बांट के इस देश को और आगे बढ़ाएं। और MIMT की तरफ से तमाम देशवासियों को, अपने शहरवासियों को, तमाम स्टूडेंट्स को ये 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सब आइए मिलकर एक नया राष्ट्र बनाएं। मैं अजय कुमार सिंह, मैनेजर शिप कॉन्वेंट स्कूल, टिकटगंज बाईपास रोड, रामपुर। आज सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बच्चों को, अध्यापिकाओं को और पूरे जनपद वासियों को शिप कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश बहुत तरक्की की दिशा में काम कर रहा है, विश्व गुरु बनने की उसमें है। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बलिदान आज काम आ रहा है, जिससे कि हम स्वतंत्र भारत में सांस लेने के लिए तत्पर हैं। और आज जो स्थिति चल रही है, हमारे बच्चों को बड़ा अच्छा मोटिवेट किया जा रहा है। आज सरकार की तरफ से जो स्वतंत्रता के क्या नाम है, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इससे लगता है कि हमारा देश और तरक्की की तरफ और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी में पुनः मैं शिप कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से पूरे देशवासियों को और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को जनता और सत्ता परिवार की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।